अच्छा, अच्छे ख्वाब अगर कोई आए, आपको अच्छी सी चीज देखो, तो क्या करना चाहिए? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अच्छा ख्वाब अल्लाह की तरफ से होता है, अर-रुयल हसनतु मिन अल्लाह, अच्छा ख्वाब जो होता है वो अल्लाह की तरफ से होता है। और सही बुखारी की हदीस है कि तुम में से किसी को अच्छा ख्वाब आए तो वो कहे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की तारीफ करें। अच्छा ख्वाब किसकी तरफ से? अल्लाह की तरफ से अपनी तारीफ करेंगे। मैं बहुत अच्छा हूँ, कहेंगे मैं बहुत अल्लाह की तारीफ करेंगे, अल्लाह की तारीफ करेंगे। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो शख्स नहीं बयान करे सिवाय उन्हें जो उससे मोहब्बत करते हैं। जो लोग आपसे मोहब्बत करते हैं, आपको पता है कि कोई है जो आपसे मोहब्बत करता है? जैसे आपके अम्मी अब्बा हैं, वो आपका बुरा नहीं चाहेंगे। या ऐसा कोई है जो आपसे मोहब्बत करता है, सचमुच मोहब्बत करता है, उसे ख्वाब बता सकते हैं, बाकी दूसरों को नहीं बताना चाहिए। हाँ, किन्हें बताना चाहिए? सिर्फ जो हम लोग से मोहब्बत करते हैं। एक ऐसे नबी है जिन्हें ख्वाब आया था और उनके अब्बा ने कहा था कि ये ख्वाब अपने भाइयों को मत बताना। कौन से नबी थे वो? यूसुफ अलैहिस्सलाम। आपका नाम यूसुफ है, आपको यूसुफ अलैहिस्सलाम की स्टोरी भी पता होनी चाहिए, परफेक्ट। हाँ, और बल्कि दूसरे नबियों की भी पता होनी चाहिए। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को बहुत अच्छा ख्वाब आया था और उनके फादर ने कहा कि ये ख्वाब अपने भाइयों को मत बताना, क्योंकि वो भाइयों के अंदर उनके लिए जेलसी थी और उनको पता था, अब्बा को पता था। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमने अच्छे ख्वाब के ताल्लुक से क्या क्या देखा? अच्छा ख्वाब किसकी तरफ से है? अल्लाह की तरफ से। अच्छा ख्वाब आए तो किसकी तारीफ करनी चाहिए? अल्लाह की तारीफ करनी। अच्छा ख्वाब किसे बताना चाहिए? जो हमसे मोहब्बत करता है। ठीक है, इंशाल्लाह। अल्लाह के दीन की दावत और लोगों तक पहुँचाने के लिए इस वीडियो को जरूर लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। आपके इस चैनल को और बेहतर बनाने के लिए आपका साथ जरूरी है। iPlus TV, बेहतर जिंदगी के लिए। अपने केबल या DTH ऑपरेटर से iPlus TV आज ही डिमांड करें। iPlus TV फ्री टू एयर और इंडियन रजिस्टर्ड चैनल है।